हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि ड्रामा सीरीज़ चल रही है चैनल पे। सो ड्रामा सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम करेंगे रिस्टोरेशन एज ड्रामा पर 40 एमसीक्यूज। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रिस्टोरेशन एज स्टार्ट्स फ्रॉम। रिस्टोरेशन एज कब से शुरू होती है? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1660 से शुरू हो जाती है रिस्टोरेशन एज। क्वेश्चन नंबर टू है, 1660s रिस्टोरेशन इज अबाउट। सो 1660 में जो रिस्टोरेशन हुआ था वो किसके बारे में है? रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, रिस्टोरेशन ऑफ जेम्स वन, रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स वन और रिस्टोरेशन ऑफ ड्रामा। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। मोनार्की का रिस्टोरेशन किया गया था 1660 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एज आर। रिस्टोरेशन एज के फेमस ड्रामेटिस्ट कौन कौन थे? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, विलियम कॉनग्रीव, जॉन ड्राइडन, जॉर्ज एथरेज और विलियम वाइचरली थे रिस्टोरेशन एज के फेमस ड्रामेटिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्टोरेशन एज इज ऑल्सो कॉल्ड। रिस्टोरेशन एज को और किस नाम से जाना जाता है? सो रिस्टोरेशन एज को हम कहते हैं एज ऑफ ड्राइडन भी, क्योंकि ड्राइडन इस पीरियड के लिटरेरी डिक्टेटर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट हैपन्ड इन 1642। एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन, इन्वेजन ऑफ आयरलैंड बाई क्रॉमवेल, थिएटर्स वर क्लोज्ड, क्रॉमवेल वॉज सक्सीडेड बाई रिचर्ड। सो इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1642 में? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, थिएटर्स वर क्लोज्ड। सो थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था 1642 में बाय द प्यूरिटन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वन वॉज एग्जीक्यूटेड इन द ईयर। सो चार्ल्स वन को किस ईयर में एग्जीक्यूट किया गया था? 1649 में। ही वॉज बीहेडेड इन 1649। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। सो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को इस्टेब्लिश किया गया था 1660 में, यानी कि विद द रिस्टोरेशन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो रिस्टोरेशन पीरियड को किस ने इन्फ्लुएंस किया था? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट ने इन्फ्लुएंस किया था रिस्टोरेशन पीरियड को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनग्रीव ट्राइड हिज हैंड एट। सो कॉनग्रीव ने किस चीज़ में अपना हैंड ट्राई किया था? करेक्ट आंसर होगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइक ड्रामा वॉज द फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। सो स्पेसिफिकली हीरोइक ड्रामा किस एज में लिखा जाता था या किस एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रिस्टोरेशन पीरियड में काफ़ी ज़्यादा हीरोइक ड्रामा लिखा जाता था और इसके फेमस राइटर हैं जॉन ड्राइडन, जिन्होंने काफ़ी सारे हीरोइक ड्रामास लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज अ ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ एरिस्टोटल, एन अपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थियोरीज ऑफ एरिस्टोटल, अनअवेयर ऑफ द क्रिटिकल थियोरीज ऑफ एरिस्टोटल, अ रेशनल फॉलोवर ऑफ द क्रिटिकल थियोरीज ऑफ एरिस्टोटल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, अ रेशनल फॉलोवर ऑफ द क्रिटिकल थियोरीज ऑफ एरिस्टोटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरिस्ट अमंग दैम। इनमें से कौन एक डायरिस्ट हैं? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैमुअल पेपिस जो हैं रिस्टोरेशन एज के फेमस डायरिस्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिस्टोरेशन प्लेराइट हु गेव अ हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर। सो इनमें से कौन से रिस्टोरेशन प्लेराइट हैं जिन्होंने किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग दी थी? सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नाहुम टेट ने किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग दी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द मैन ऑफ मोड इन 1671। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जॉर्ज एथरेज ने लिखी थी मैन ऑफ मोड इन 1671 और ये एक रिस्टोरेशन कॉमेडी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द वे ऑफ द वर्ल्ड। सो द वे ऑफ द वर्ल्ड रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स है और इसे लिखा था विलियम कॉनग्रीव ने। बहुत फेमस वर्क है ये रिस्टोरेशन एरा का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द प्लेन डीलर। सो द प्लेन डीलर को लिखा था विलियम वाइचरली ने और ये भी काफ़ी फेमस वर्क है रिस्टोरेशन एरा का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड ऑर्डर ऑफ द क्लेरेंडन कोड। सो ऑर्डर ऑफ द क्लेरेंडन कोड को किसने प्रेजेंट किया था? चार्ल्स वन ने, चार्ल्स टू ने
जेम्स वन ने या फिर जेम्स टू ने? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, चार्ल्स टू ने प्रेजेंट किया था ऑर्डर ऑफ द क्लेरेंडन कोड टू एस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ एंग्लिकन चर्च। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिएटर्स वर रीओपन्ड इन, यानी कि थिएटर्स को दोबारा से कब खोला गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था प्यूरिटन्स के द्वारा, और 1660 में विद द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की थिएटर्स को भी ओपन कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन अकर्ड इन, सो लंदन में जो ग्रेट प्लेग आया था वो किस ईयर में आया था? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1665 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन अकर्ड इन, सो द ग्रेट फायर ऑफ लंदन आई थी इसके एक साल बाद 1666 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अबाउट ग्रेट फायर ऑफ लंदन इन हिज डायरी, सो ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में किसने अपनी डायरी में लिखा था? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सैमुअल पेपिस, जो कि फेमस डायरी राइटर हैं रिस्टोरेशन एरा के, इन्होंने लिखा था ग्रेट फायर ऑफ लंदन के बारे में अपनी डायरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज रिटन बाय कॉनग्रीव इन, सो कॉनग्रीव का फेमस वर्क जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये कब लिखा गया था? 1700 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स टू हैज़ बीन एग्जाइल टू, सो चार्ल्स टू को एग्जाइल कहाँ के लिए किया गया था? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फ्रांस के लिए चार्ल्स टू को एग्जाइल कर दिया गया था आफ्टर एग्जीक्यूटिंग चार्ल्स वन। सो चार्ल्स टू वॉज द सन ऑफ, सो चार्ल्स टू किंग चार्ल्स वन के ही बेटे थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्टोरेशन राइटर इमिटेटेड, रिस्टोरेशन राइटर किसको इमिटेट करते थे या किसकी नकल किया करते थे? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, फ्रेंच राइटर्स को इमिटेट करते थे रिस्टोरेशन राइटर, क्योंकि चार्ल्स टू फ्रांस से ही आए थे और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने को मिली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वॉज रियलिस्टिकली प्रजेंटेड इन रिस्टोरेशन राइटिंग्स, करप्शन एंड वाइसेज ऑफ कॉमन पीपल, करप्शन एंड वाइसेज ऑफ द कोर्ट, बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। रिस्टोरेशन राइटिंग्स में दोनों चीज़ें रियलिस्टिकली दिखाई जाती थी, करप्शन एंड वाइसेज ऑफ कॉमन पीपल एज वेल एज ऑफ द कोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिसाइज एलिगेंट एंड फॉर्मल स्टाइल ऑफ रिस्टोरेशन इज कॉल्ड, सो जो प्रिसाइज एलिगेंट फॉर्मल स्टाइल है इसे कहा जाता था क्लासिकल स्टाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉमवेल डाइड इन, सो क्रॉमवेल की डेथ कब हुई थी? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1658 में क्रॉमवेल की डेथ हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू पार्टीज केम इनटू बीइंग इन द रिस्टोरेशन पीरियड, टॉरी एंड डेमोक्रेटिक, टॉरी एंड विग, विग एंड डेमोक्रेटिक, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टॉरी एंड विग जो दो पार्टीज थी ये एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हो गई थी इन द रिस्टोरेशन पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द फीमेल एक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द थिएटर, सो जो फीमेल एक्टर्स थे उनको कब इंट्रोड्यूस किया गया था थिएटर में? सो इसका करेक्ट आंसर है रिस्टोरेशन एज, रिस्टोरेशन एज में पहली बार जो फीमेल एक्टर्स थे उन्होंने भी थिएटर में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, या थिएटर में उनको दिखाया जाना फर्स्ट टाइम शुरू किया गया था रिस्टोरेशन एज ड्रामा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी हाउस लिटरेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, सो कॉफ़ी हाउस लिटरेचर जो है उसका पाइनियर भी है रिस्टोरेशन एज, कॉफ़ी हाउस लिटरेचर भी शुरू हो गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था रिस्टोरेशन एज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्टोरेशन राइटर्स वर इंस्पायर्ड बाय, रिस्टोरेशन राइटर्स किससे इंस्पायर्ड थे? कॉमेडीज ऑफ मॉलियर से, ट्रेजेडीज ऑफ कॉर्निल से, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। रिस्टोरेशन राइटर्स जो थे कॉमेडीज ऑफ मॉलियर एज वेल एज ट्रेजेडीज ऑफ कॉर्निल दोनों से ही इंस्पायर्ड थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू डायरिस्ट ऑफ रिस्टोरेशन एरा, सो रिस्टोरेशन एरा के दो ग्रेट डायरिस्ट जो थे उनके नाम बताइए। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सैमुअल पेपिस एंड जॉन एवलिन थे रिस्टोरेशन एरा के दो ग्रेट डायरी राइटर्स।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमेडी ऑफ मैनर वॉज पॉपुलर इन, सो कॉमेडी ऑफ मैनर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी रिस्टोरेशन एज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेलिब्रेटेड रिटर्न ऑफ चार्ल्स टू इन हिज वर्क एस्ट्रिया रिडक्स, सो एस्ट्रिया रिडक्स में चार्ल्स टू के रिटर्न को वेलकम किया था और सेलिब्रेट किया था जॉन ड्राइडन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड चार्ल्स टू डाइड, सो चार्ल्स टू डाइड इन 1685। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम किंग आफ्टर चार्ल्स सेकेंड डाइड, सो चार्ल्स सेकेंड की डेथ के बाद कौन किंग बनता है इंग्लैंड का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स टू, और जेम्स टू चार्ल्स टू के भाई थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अकर्ड इन, सो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1688 से 1689 के बीच में हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, और इसे हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द कंट्री वाइफ, कंट्री वाइफ के राइटर कौन हैं। सो कंट्री वाइफ लिखी है विलियम वाइचरली ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्टोरेशन लास्टेड अनटिल, सो रिस्टोरेशन एज कब तक चली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1700 तक। सो फ्रेंड्स, रिस्टोरेशन एज 1660 में स्टार्ट हो जाती है और 1700 में ख़त्म हो जाती है। और ये थे 40 MCQs रिस्टोरेशन एज से। कैसे लगे आपको ये MCQs और कितने MCQs के आंसर्स आप दे पा रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।